Xiaomi ने चाइना में अपना नया स्मार्टफोन Redmi K30 Pro फाइनली पेश कर दिया है और आज वीडियो में हम आपको Redmi K30 Pro का कंपैरिजन Realme के X50 Pro से दिखाने वाले हैं। दोनों ही 5G स्मार्टफोन हैं, दोनों ही कॉलकॉम 865 पर चलते हैं। पर यहाँ पर आपका सवाल होगा कि Redmi K30 Pro से हम क्यों दिखा रहे हैं जबकि Redmi K30 Pro तो चाइना में पेश किया गया है। लेकिन आपको बता दूँ कि ऐसा माना जा रहा है कि Redmi K30 Pro इंडिया में पोको F2 नाम से लॉन्च हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये सीधा सीधा Realme X50 Pro को कंपटीशन देगा और आप यहाँ पे खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फ़ोन लिया जाए। पर वो कन्फ्यूजन बढ़े उससे पहले आज मैं आपको इनका एक स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ जिससे आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको Realme X50 Pro भी खरीदना चाहिए और यू शुड वेट फॉर द पोको F2 और मे बी वी कैन से द Redmi K30 Pro। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमारी आईडीज मिल जाएंगी या फिर मेरी पर्सनल आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए देखते हैं Redmi K30 Pro और Realme X50 Pro में से कौन सा फ़ोन आपके लिए प्रो साबित होता है। अब हमेशा की तरह सबसे पहले डिज़ाइन और डिस्प्ले पर नजर डाल लेते हैं। तो अगर आप Realme X50 Pro और Redmi K30 Pro का बैक पैनल देखेंगे तो आप डेफिनेटली Redmi K30 Pro को चुनेंगे। जी हाँ, लुक वाइज ये काफ़ी शानदार लगता है। ऐसे सर्कुलर शेप में कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, कर्व बैक पैनल है। जबकि अगर Realme X50 Pro को देखेंगे तो वो एक रेगुलर Realme स्मार्टफोन की तरह ही लगता है, कुछ नयापन नहीं है। आप Realme का कोई सा भी स्मार्टफोन उठा लीजिए, सारे एक जैसे ही देखने में लगते हैं। अगर Redmi की हम बात करेंगे तो K30 के मुकाबले K30 Pro एक नए डिज़ाइन के साथ कंपनी इसको लेकर आई है। हालांकि अगर हम क्वालिटी वाइज बात करेंगे तो दोनों के बैक पैनल पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, दोनों पे मेटल फ्रेम का इस्तेमाल किया है, इसलिए प्रीमियम का एहसास तो दोनों फ़ोन में आने वाला है। बट मेरे हिसाब से लुक वाइज Redmi K30 Pro ज़्यादा शानदार है। वहीं अगर हम फ्रंट की बात करेंगे, डिस्प्ले की बात करेंगे, तो फ्रंट पैनल भी आपको काफ़ी अच्छा Redmi K30 Pro में ही लगने वाला है क्योंकि ये पूरी तरह से बेजललेस है। जी हाँ, इसमें पॉपअप कैमरा का इस्तेमाल किया गया जिस वजह से कंपनी इसको बेजललेस बना पाई है। अगर हम Realme X50 Pro की बात करेंगे तो इसमें डुअल पंच होल आपको मिल जाता है, छोटा सा कॉर्नर में से पंच होल मिलेगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन तो क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर हम पूरा सीमलेस डिज़ाइन की बात करेंगे तो Redmi K30 Pro पूरा एकदम डिस्प्ले है, ज़्यादा अच्छा लगता है। जबकि Realme X50 Pro में आपको दो पंच होल आगे की तरफ मिल जाते हैं, इसलिए लुक वाइज तो मैं यहाँ पर Redmi K30 Pro को ही प्रेफर करूँगा। पर डिस्प्ले की बात आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे वर्डिक्ट चेंज हो सकता है। Redmi K30 Pro में मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और डिस्प्ले जिस पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। इसमें HDR10 का सपोर्ट है। वहीं अगर हम बात करें Realme X50 Pro की तो इसमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें भी HDR10 प्लस का सपोर्ट है, इसमें भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। दोनों में सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि Redmi K30 Pro में स्क्रीन रिफ्रेश रेट के बारे में कंपनी ने जिक्र नहीं किया। हमको लग रहा है कि 60 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट है इसमें, जबकि अगर Realme X50 Pro की बात करेंगे तो उसमें 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। इस वजह से जो है Realme X50 Pro थोड़ा सा आगे निकल जाता है। पर डिस्प्ले का अगर पूरा लुत्फ उठाना है तो Redmi K30 Pro ही बेस्ट माना जाएगा, पर रिफ्रेश रेट की वजह से जो ट्रांजिशन में स्मूदनेस आएगी वो Realme X50 Pro में आएगी। तो यहाँ पर आपका डिसीजन है कि किस फ़ोन को आप यहाँ पर चुनना चाहेंगे। वही इंटरनल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन एकदम नेक टू नेक हैं। दोनों में आपको कॉलकॉम का लेटेस्ट और टॉप नॉच प्रोसेसर 865 मिल जाता है। रैम स्टोरेज की बात करें तो Redmi में आपको 6128, 8128 और 8256 के तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जबकि Realme X50 Pro में 6128, 8128 और 12256 वेरिएंट्स मॉडल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Realme में 8256 का मॉडल नहीं है, उसमें 12GB रैम पे स्विच कर दिया है, जबकि Redmi में 12GB वेरिएंट है ही नहीं। तो थोड़ा सा एडवांस है Realme X50 Pro इन टर्म्स ऑफ रैम, पर प्राइसिंग ज़्यादा है। उस प्राइस रेंज में Redmi का आप K30 Pro जूम एडिशन खरीद पाएंगे। फिलहाल अभी प्राइसिंग तो इंडिया में नहीं आई, बट जो चाइनीज़ प्राइसिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और जूम एडिशन के बारे में भी अभी आपको वीडियो में आगे कंटिन्यू करके बताता हूँ। वहीं हम बैटरी पे नजर डालें तो यहाँ पर Xiaomi बाजी मारता है। 4700mAh की बैटरी दी गई है, हालांकि चार्जिंग स्पीड स्लो है, 33W की है, लेकिन Realme X50 Pro में 4200mAh की बैटरी दी गई है तो इसमें 65W की चार्जिंग स्पीड दी गई है, तो तुरंत से फ़ोन आपका चार्ज हो जाएगा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं एक फ़ोन थोड़ा सा चार्जिंग में आगे है तो एक फ़ोन बैटरी कैपेसिटी में आगे है। यह आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आता है। कैमरा सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। Realme X50 Pro में 64
प्लस 12 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का 4 कैमरा सेटअप दिया गया है। 64 मेगापिक्सल सेंसर जो है प्राइमरी है। सैमसंग का आईसो सेल GW1 सेंसर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर हम 12 मेगापिक्सल सेंसर की बात करें तो ये 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है और 20x डिजिटल जूम दिया गया है। 8 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 2 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो डेप्थ सेंसिंग के काम आता है। साथ साथ यहाँ पे 8 मेगापिक्सल सेंसर में आपको मैक्रो फोटोग्राफी के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। वहीं अगर Xiaomi की बात करें तो उसमें भी 4 कैमरा सेटअप है। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है लेकिन वो सोनी IMX686 सेंसर है जो कि सैमसंग के मुकाबले थोड़ा सा बेटर है। इसके साथ साथ इसमें दो वेरिएंट्स पेश किए गए हैं, एक रेगुलर एडिशन और जूम एडिशन। दोनों में आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिल जाता है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो खींच रहा है। 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिल जाता है जो कि डेप्थ सेंसर है, लेकिन एक सेंसर जो है वो दोनों में अलग है। 5 मेगापिक्सल का एक सेंसर है जो कि K30 Pro स्टैंडर्ड एडिशन में है, वो मैक्रो लेंस है। और जो जूम एडिशन है उसमें 8 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है जिसमें OIS है, उसमें 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट है और 30x डिजिटल जूम सपोर्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर Realme X50 Pro का 12GB वेरिएंट देखेंगे तो वो Xiaomi के जो K30 Pro के जूम एडिशन के मुकाबले थोड़ा महंगा ही है। अगर इंडिया में कंपनी K30 Pro जूम एडिशन लेके आती है तो मेरे ख्याल से K30 Pro जूम एडिशन ही आपको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरा वाइज दोनों नेक टू नेक है लेकिन कुछ एरिया में Xiaomi बेटर साबित होता है। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे Realme बाजी मारेगा। 32 प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट कैमरा मिलता है। 32 मेगापिक्सल सेंसर रेगुलर है और 8 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो वाइड एंगल फोटोज क्लिक करता है, जबकि Xiaomi में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर दिया गया है। तो कैमराज में तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जो कि सॉल्व तभी होगा जब हम उसको एक्चुअली टेस्ट करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास फोन आएगा, जैसे ही इंडिया में लॉन्च होगा, तो हम आपको टेस्ट इसका जरूर दिखाएंगे। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो दोनों फोन में एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, बस UI का थोड़ा सा अंतर है। एक में Realme UI है तो एक में Mi UI है। यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा UI पसंद है, Xiaomi का या फिर Realme का। पर इंडिया में तो वैसे ही माना जा रहा है कि Xiaomi Poco F2 नाम से आएगा तो उसमें Poco बेस्ड UI दिया जाएगा। अब अंतिम बात आती है वर्डिक्ट की, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली कह दूँ कि Xiaomi कुछ एरियाज में Realme पे भारी पड़ता है और कुछ छोटे मोटे एरियाज में Realme Xiaomi पर भारी पड़ता है। ऐसे में अगर आप Realme का स्मार्टफोन लेने का विचार बना रहे हैं, यानी Realme X50 Pro लेने का विचार बना रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि Poco F2 नाम से अगर ये फ़ोन इंडिया में आया तो तब आप शायद थोड़ा सा निराश होंगे। इसलिए वेट करने में ही भलाई है, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। एक आधा महीना वेट कर लेंगे तो नया फ़ोन, बेटर फ़ोन आप खरीद पाएंगे, पॉपअप फ़ोन मिल जाएगा आपको सेम प्राइस रेंज में। क्योंकि अगर देखा जाए तो Realme की शुरुआती कीमत है 37,999 रुपये और Xiaomi जो चाइना में ये फ़ोन लेकर आया है 32,500 रुपये से शुरुआत है, तो इंडिया में आते आते वो भी 34-35,000 रुपये तक का मिल जाएगा आपको। जो उसका बेस वेरिएंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 6GB रैम वाला, वो भी 34-35 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कि दोनों का जो प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सेम होगा लेकिन स्पेसिफिकेशन में काफ़ी अंतर होगा। इसलिए अगर आप Xiaomi के फ़ैन हैं तो वेट कर लीजिए, पर आपको बहुत जल्दी है एक नया स्मार्टफोन लेने की, आपको एक नया स्मार्टफोन बेटर स्पेसिफिकेशन का चाहिए है, तो आप Realme X50 Pro डेफिनेटली खरीद सकते हैं। पर एनीवे, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जाने से पहले आपसे कहूंगा कि प्लीज गाइस, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं कि घर से बाहर ना निकलें और सेफ्टी मेजर्स का पूरा पालन करें और गवर्नमेंट का भी साथ दें कि वो आपकी हेल्प कर सके। Until then, this is Keshav Khera signing off.